इसमें टोटल 3 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है, सेकंड वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशंस है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, और तीसरे वाले में इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये टोटल 3 चैप्टर्स इसमें कंसीडर होंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब इसमें बात होगी फोर्सेस की और टॉर्क्स की। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब कंसेप्ट ऑफ द फोर्स एंड टॉर्क। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बायट सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ मतलब इनके बारे में डिस्कस करोगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब फैराडेज लॉ। इस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, मतलब पहले ये वाला टॉपिक करेंगे फोर्स एंड टॉर्क वाला, देन उसके बाद बायोट सेवर्ट लॉ एम्पियर लॉ वाला टॉपिक, एंड देन फिर फैराडेज लॉ। तो पहले ये स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट वाला। और इसमें बड़ा सीधा सा है कि जो फोर्सेस का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें जो सबसे फंडामेंटल स्टेप है, फंडामेंटल स्टेप की अगर हम लोग कैपिटल बी से इंडिकेट करें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, कैपिटल बी इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट कंसेप्ट जो फोर्सेस को लेकर के है वो बेसिकली लॉरेंज फोर्स पढ़ते होंगे या कभी सुना होगा इसका आपने एक्सप्रेशन, कोई बता सकता है कि लॉरेंज फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होता है? यूवी क्रॉस बी। तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अभी देखो हम क्या करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, उसका क्या डायरेक्शन है, उसका रीजन आइडेंटिफाई नहीं करोगे अभी आप। मतलब अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं करना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों दी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही मैग्नीट्यूड की क्यों है, ये क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे, बिकॉज इन क्वेश्चन का आंसर आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा, बायट सेवर्ट लॉ में और एम्पियर लॉ में। अभी हमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड न्यूमेरिकल में दिया जाएगा उसको चुपचाप एक्सेप्ट करेंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला टॉर्क, इनके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। तो लॉरेंज फोर्स बेसिकली जो होता है वो एक चार्ज पार्टिकल के लिए होता है, लॉरेंज फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में जो लॉरेंज फोर्स का जो रिजल्ट है, आप लोगों ने सही बताया क्यू वी क्रॉस बी, बट एक्चुअल में लॉरेंज फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल का अगर आप प्रॉपर फॉर्मूला देखोगे तो ये कुछ ऐसा कहता है, दिस क्यू इन ब्रैकेट ऑफ ई एंड प्लस वी क्रॉस बी। एक्चुअल में लॉरेंज फोर्स पूरा आपका ये है, मतलब लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इनको अगर आप अलग अलग करके देखोगे तो Q इंटू ई का एक टर्म आ जाएगा प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी का दूसरा टर्म आ जाएगा। सेपरेटली करके देखें तो ये Q इंटू ई आप कह सकते हो कि दिस इज द फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट, फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड Q V क्रॉस B इज द फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड पार्ट। और इन दोनों का समेशन यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को मिला करके जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, ये आपके लिए कहलाती है लॉरेंज फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चलो लॉरेंज फोर्स क्लियर, मतलब ये इसमें कोई एक्चुअली लॉजिक नहीं है। देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड न्यूमेरिकल में दिया होगा, हमें उसमें फोर्सेस का फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्टली क्वेश्चंस करने। Q into E plus Q into V cross B combinedly called as a Lorentz force. इस Lorentz force की कुछ क्वांटिटी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। Lorentz force की कुछ प्रॉपर्टीज, सबसे पहले क्या ये जो Lorentz force है, क्या ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करने वाली चीज है? Lorentz force क्या ये चीज डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, मतलब एक स्टेशनरी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रनिंग पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक्सेलरेटिंग पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये फोर्सेस अलग अलग आएंगी या फिर सबके लिए फोर्स का अमाउंट सेम आएगा? ये क्वेश्चन है।
उन लोगों को क्या लग रहा है भाई, लॉरेंज फोर्स? सर फर्क पड़ेगा? मतलब फर्क पड़ेगा लॉरेंज फोर्स, ये भी क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन। देखिए लॉरेंज फोर्स ना बच्चा, एक मिनट बता दें आपको, लॉरेंज फोर्स आपका फंडामेंटल फोर्स में आता है। जो नेचर की चार फंडामेंटल फोर्सेस बताई जाती हैं आपको, नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस, उसमें से एक ग्रेविटेशन की फोर्स, दूसरा आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स और चौथा वीक फोर्सेस। तो ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये फंडामेंटल फोर्स है, इज द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, जिसको हमने लॉरेंज फोर्स का नाम दिया है। और ये फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, इसको ध्यान रखना, इनडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम क्वांटिटी है ये। चाहे आप इसको इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर लीजिए, चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर लीजिए, किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखोगे, एक चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स कांस्टेंट मिलेगा आपको। और ये लॉरेंज फोर्स नहीं, दुनिया का कोई भी रियल फोर्स जो होता है वो फ्रेम पर डिपेंड करता ही नहीं है। इसकी वजह से कभी कभी कंफ्यूजन होती है वेलोसिटी की वजह से, कि बिकॉज हम फ्रेम चेंज करेंगे तो वेलोसिटी बदल जाती है, बट ये थोड़ा सा हायर फिजिक्स में आपको पढ़ना होगा। फ्रेम बदलने पर करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में भी चेंजेस आते हैं। यस सर, हाँ, और ओवरऑल फोर्स एज इट इज रहेगी। सिंपल सा लॉ है, कोई भी रियल फोर्स दो अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग नहीं हो सकती। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी पे आइए, सेकंड प्रॉपर्टी पर। जो ये लॉरेंज फोर्स है, ये कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है? मतलब इसके अंदर अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा तो उसमें एनर्जी कंजर्व होगी या चेंज होगी, इस तरीके के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर रहे होते हैं हमें। इज इट कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब इसका वर्क डन फॉर ए क्लोज पाथ जीरो आएगा या नहीं आएगा? देखिए लॉरेंज फोर्स में दो कंपोनेंट्स हैं, लॉरेंज फोर्स में दो कंपोनेंट, एक एक सर इलेक्ट्रिक नॉन फील्ड वाला कंजर्वेटिव कंपोनेंट। होगा? क्या होगा बच्चे? नॉन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, देखते हैं बच्चे। और उसका रीजंस वगैरह भी चाहिए होगा, अगर ऐसा है तो क्यों होगा। मैं ये इसलिए थ्योरी आपको बता रहा हूँ ना, कि न्यूमेरिकल्स में यही सब करना होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। अब डाउट नहीं आना चाहिए कि एनर्जी कंजर्व करानी है कि नहीं करानी है। तो देखिए लॉरेंज फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है और एक कंपोनेंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला है। यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है, वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आप यहाँ पर। तो ये तो ऑब्वियस बात हो गई कि क्रॉस प्रोडक्ट लगने की वजह से जो यहां वाला टर्म है, यानी कि क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये वाला टर्म, ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व है इसमें। वी क्रॉस बी, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कहता है कि जो प्रोडक्ट आएगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, यानी ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। और मैकेनिक्स में रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि पावर जिसको कहते हो आप, रेट ऑफ वर्क डन, दैट इज पावर, डी डब्ल्यू बाई डी टी, वो डिफाइन करते हैं फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी से, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आ रही है, ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हुआ, ऐसे में इस वाली फोर्स का और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर, सो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वो टर्म जीरो आएगा, मतलब कि रेट ऑफ वर्क डन जीरो आएगी, मतलब कि पावर जीरो आएगी। यानी कि जो फोर्स का मैग्नेटिक कंपोनेंट है, लॉरेंज फोर्स का मैग्नेटिक कंपोनेंट, इसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं आएगा, फोर्स के मैग्नेटिक कंपोनेंट से नो वर्क डन।
with a reason that the force and velocity are perpendicular due to the cross product. इसका मतलब लॉरेंज फोर्स में जो वर्क होता है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट से होता है. लॉरेंज फोर्स का वर्क उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट से ही आएगा सर. यहां पर वर्क होगा और क्योंकि वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर्स में इसको हम कंजर्वेटिव बोल चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में आपसे कहा जा चुका है कि ये कंजर्वेटिव है. तो यहां से फिर ये कह सकते हो कि जो लॉरेंज फोर्स हुआ वो भी हमारे लिए कंजर्वेटिव की ही कैटेगरी में जाएगा, बिकॉज एक कंपोनेंट जो मैग्नेटिक वाला है उससे वर्क हो ही नहीं रहा, तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड से वर्क होगा, बट ये कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में जाता है. दैट मीन्स कि पूरा पूरा लॉरेंज फोर्स कंजर्वेटिव हुआ. ये सेकेंड प्रॉपर्टी. पहली प्रॉपर्टी के किसी भी फ्रेम में लॉरेंज फोर्स की वैल्यू सेम आएगी. दूसरी प्रॉपर्टी विच इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तीसरी पॉइंट पे आइए, थर्ड पॉइंट. ये दो दो लॉरेंज फोर्स के जो बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, टू वेरी बेसिक पॉइंट्स. ठीक है, थर्ड केस पे चलते हैं. तीसरा केस, अब एक एक करके ना हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड लॉरेंज फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो वहां पर भी ट्रेजेक्ट्री का एक कंसेप्ट था, जिसमें यह कहा गया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल या तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है या फिर पैराबोलिक पाथ पे चलता है. दूसरे या तीसरे लेक्चर में ही आपको बताया गया था, डिस्क्रिप्शन एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में. मतलब चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजने पर या तो वो पैराबोलिक पाथ पर चलता है या फिर वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है. यहां पर डिस्कस करो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन है, पहला वाला केस है, फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड. फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. फर्स्ट केस, पहला केस ये मान के चलना, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये इसको करेंगे नहीं यार, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में ऑलरेडी किया जा चुका है, तो यहां पर इसको रिपीट नहीं करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड लेक्चर में ही है ये. इसके अंदर रिजल्ट ये था कि या तो ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन की बनती है या फिर ट्रेजेक्ट्री एक पैराबोलिक पाथ की बनती है. ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कवर्ड है, इसलिए यहां से स्किप कर रहे हैं इसको. सेकेंड केस आप ये एज्यूम करो that electric field E equal to zero and magnetic field B, ये चीज non-zero है और ये uniform है. magnetic field uniform मतलब कि इसका magnitude और direction हर एक point पर similar होगा. every point same magnitude, every point same direction, uniform magnetic field. इसके अंदर अगर मुझे रिकॉल करा जाए, मतलब याद करा जाए कि इस टाइप की कंडीशंस में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, इसमें तीन पॉसिबल ट्रेजेक्टरीज आती हैं आपकी. ट्रेजेक्टरीज के तीन पॉसिबिलिटीज हैं, डिपेंड करता है कि वो इनिशियल वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन दी जा रही है. तो फर्स्ट केस, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल डायरेक्शंस में हूं,
इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल, और लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन अपने माइंड में रखा, Q टाइम्स कैपिटल E प्लस Q टाइम्स V क्रॉस B, और सारी चीजें आप फुलफिल करो यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये टर्म जीरो हो गया, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइन, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, यानी ना तो यहां पर कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रही है ना तो यहां पर कुछ फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इन कंडीशंस में E जीरो, B नॉन जीरो एंड वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, ये तीनों कंडीशन जब एक साथ लग रही है तो हमारा फोर्स जीरो आ रहा है, और यहां पर न्यूटन्स लॉ, फोर्स जीरो आने का मतलब ये यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो इसको, ऑब्जेक्ट है कि यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। B, if initial velocity perpendicular to the magnetic field, चेक करते हैं लॉरेंज फोर्स कितना आएगा, लॉरेंज फोर्स Q टाइम्स E, तो पहला टर्म जीरो हो गया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, Q इंटू जीरो प्लस U into V cross B, so V cross B 90 degree के दोनों vectors हो गए, ये सीधा सीधा V into B and sine 90 आ जाएगा, angle between the two vectors they are perpendicular, और क्योंकि जो force मिल रही है मुझे, जो force आ रही है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है, तो जो भी ये फोर्स का डायरेक्शन आएगा ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा, एज वेल एज ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से दोनों वेक्टर्स के 90 डिग्री पर प्रोडक्ट क्वांटिटी आएगी, तो जो भी डायरेक्शन वेलोसिटी का और जो भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के ही परपेंडिकुलर साइड पर फोर्स, मतलब कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन। सर हाँ जी पूछिए। सर पहले वाले जो सबसे पीछे पढ़ा था उसका डाउट है सर, लॉरेंट फोर्स आपने बताया था कि कंजर्वेटिव होता है सर, बट अगर क्यू वी क्रॉस बी है तो क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा वो, तो अगर थीटा की वैल्यू बदलेगी तो फिर सर वो तो फिर वर्क करेगा ना, परपेंडिकुलर हमेशा थोड़ी रहेगा। नहीं नहीं क्यों, इसकी सेकंड वाले की बात कर रहे हैं आप? यस सर, बी क्रॉस बी में तो सर हमेशा बी परपेंडिकुलर टू बी थोड़ी रहेगा। नहीं मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये मैं कह ही नहीं रहा आपसे, इनके बीच हो सकता है 20 डिग्री का एंगल बन रहा हो सकता है इनके बीच 30 डिग्री का एंगल बन रहा हो, इनके परपेंडिकुलर होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फिर सर ये यार ए क्रॉस बी वेक्टर्स में ऐसा देखो बताते हैं आपको, अगर मैं ये कह रहा हूं कि वेलोसिटी मान लीजिए इस तरफ है, ये डायरेक्शन वेलोसिटी का है और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, दोनों के बीच एक्यूट एंगल बन रहा है, मैं तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट आप जब निकालते हो दो वेक्टर्स का, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जब प्रोडक्ट निकालोगे क्रॉस वाला, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये वेक्टर ऊपर आएगा, ये डायरेक्शन वी क्रॉस बी की है, ये चीज मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पर है, ये चीज वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है, वी क्रॉस बी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये दोनों थोड़ी आपस में परपेंडिकुलर कह रहे हैं, यानी कि ये पूरा टर्म वेलोसिटी वाली डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये पूरा टर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिविजुअल बात कर ही नहीं रहे,
और अभी भी नहीं क्लियर है इसका मतलब आपको सर वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आ रहे कि दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है। तो ये चीज बोल रहे हैं फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बाय द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स में फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एज वेल एज देयर इज नो वर्क डन, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में डिस्कस हो चुका है कि वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड से नहीं मिलता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इससे कोई वर्क होगा ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड से वर्क वैसे भी जीरो होता है, यानी कि कोई वर्क डन नहीं है यहां पर। और कोई वर्क ना होने का मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम जो ये कहता है कि वर्क डन बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो वर्क नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि स्पीड इज कॉन्स्टेंट। आप खुद देख लो क्या ट्रेजेक्टरी बनेगी, सर्कुलर पाथ है, स्पीड कांस्टेंट है, हाँ स्पीड कांस्टेंट है और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये पूरी चीज मैकेनिक्स में सिर्फ एक ही ट्रेजेक्टरी में हो सकती है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स अगर याद करो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन करे तो उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर दिखाते हैं, या सेंट्रिपेटल फोर्स दिखाते हो आप सेंटर की तरफ। तो एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशंस यहां पर मिल रही है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, स्पीड कांस्टेंट है, यानी कुल मिलाकर के यहां पर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। ये इस केस में आएगा अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हुए तो। और इसका रेडियस फाइंड करने को आता है कि जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी उसमें क्या रेडियस बनेगी, कितनी रेडियस का सर्कुलर पाथ होगा। तो रेडियस निकालने के लिए हम ये लगा सकते हैं कि जो ये फोर्स आ रही है यहाँ पर, फोर्स क्यूवीबी, एफ इक्वल्स टू क्यूवीबी, इस फोर्स को सर्किल के सेंट्रिपेटल फोर्स वाले फॉर्मूले से कंपेयर करोगे, यानी क्यू वी बी बराबर इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। और यहां से रेडियस फाइंड कर सकते हो कि जो रेडियस बनेगी वो एम वी अपॉन क्यू वी। ये पहला रिजल्ट हो गया। अच्छा, जो रेडियस बनेगा, सॉरी जो सर्कुलर मोशन बनेगा उसके बारे में भी कुछ प्रॉपर्टीज है कि जो सर्किल बनेगा उसका एक्सेस, सर्किल जो बनेगी उसकी एक्सेस हमेशा ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल करने के लिए। जब कभी भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड एबसेंट है वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री, और तीसरी चीज कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, ये तीन कंडीशन एक साथ लगी हुई, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों कॉम्बिनेशन के बाद ही आप कह सकते हो कि जो ट्रेजेक्टरी आएगी वो सर्किल के फॉर्म में आएगी। ठीक है जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन, एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड 90 डिग्री एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तब जाकर के मोशन सर्कुलर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे जाएगा जिसकी रेडियस m इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी। और इसके अलावा इस सर्कुलर मोशन की एंगुलर स्पीड, टाइम पीरियड और बाकी फैक्टर्स में निकाल सकते हैं, बिकॉज एक बार रेडियस सॉल्व हो गया है तो एंगुलर स्पीड ओमेगा
वी बाई आर से निकाल सकते हैं और वो चीज क्यू इंटू बी डिवाइडेड बाई एम, एंगुलर स्पीड इज क्यू बी बाई एम। अब इसमें खास बात क्या है, एंगुलर स्पीड इज क्यू इंटू बी डिवाइडेड बाई एम, इसमें क्या खास बात है देखो आपका, इसमें ऐसा स्पेशल पॉइंट क्यों सा है, एक स्पेसिफिक चार्ज के लिए, स्पेसिफिक चार्ज पार्टिकल के लिए इसमें वेरिएबल टर्म कौन सा बचा फॉर ए स्पेसिफिक, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को बात कर रहे हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में भेजना है, या फिर एक प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में भेजना है, या फिर अल्फा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजना है, तो किसी भी तरीके के चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके अगर जाएंगे तो वेरिएबल चीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, वो भी अगर हम लॉक कर दें, हम ये कह दें कि एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक गिवन चार्ज पार्टिकल जाएगा, इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड गिवन चार्ज पार्टिकल, क्या अब कुछ बदलेगा इसमें? नो सर। मतलब क्या ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लो स्पीड पर लेके गए थे या हाई स्पीड पर लेके गए थे? मतलब स्पीड, जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल एंटर करेगा, क्या उसके ऊपर ओमेगा की कोई डिपेंडेंसी है? नो सर। नहीं है, ये बोल रहा हूँ आपसे कि एक चार्ज पार्टिकल एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड से ही चलेगा, चाहे उसकी एंट्री कम स्पीड से हुई हो, चाहे उसकी एंट्री ज्यादा स्पीड से हुई हो। मतलब एंगुलर स्पीड इनिशियल वेलोसिटी का फंक्शन है ही नहीं, चार्ज पे डिपेंड कर रहा, मास पे डिपेंड कर रहा और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि एंगुलर स्पीड एंड देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा व्हिच इज 2 पाई एम एंड डिवाइडेड बाय क्यूबी। ये भी स्पीड ऑफ पार्टिकल के इंडिपेंडेंट है, एंगुलर स्पीड एंड टाइम पीरियड्स इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, लेकिन रेडियस उसका डिपेंड कर रहा है स्पीड पर। पार्टिकल कम स्पीड से आने का मतलब कम रेडियस, पार्टिकल ज्यादा स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में गया ज्यादा रेडियस, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। जितनी कम स्पीड से पार्टिकल जाएगा उतनी छोटी रेडियस होगी, जितनी ज्यादा स्पीड से पार्टिकल आएगा उतनी बड़ी रेडियस, बट ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है। और यही दो बातें कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू स्पीड और टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इन्हीं दो बातों का यूज करके एक डिवाइस होती है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की जो वर्किंग है उसकी वर्किंग इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, दैट रेडियस डिपेंड्स ऑन द स्पीड वेयर एज टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। आप ऐसे किसी को साइक्लोट्रॉन का कुछ वर्किंग याद है? साइक्लोट्रॉन के अंदर एक पार्टिकल को भेजा जाता है और वो कंटिन्यूअसली अपने रेडियस को इंक्रीज करता रहता है। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं बदलता उसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन साइक्लोट्रॉन में फिक्स होती है और वो 1/T होता है। एक्चुअली 1/T को ही हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इसलिए फिक्स होती है कि स्पीड बढ़ने के बावजूद भी ओमेगा तो बदलेगा नहीं और टाइम पीरियड भी नहीं बदलेगा। अब यार इसमें कुछ नई बातें नहीं है, देखो ऑलमोस्ट मेरे 100% आइडिया है कि जिसने भी थोड़ा सीरियसली क्लास 12th को किया होगा उनको ये सब फॉर्मूले वैसे भी पता होंगे। दो तीन चीजें जो न्यूमेरिकल्स में आप अगर केयर कर लो तो काफी फायदा हो जाता है। फर्स्ट चीज जो सर्किल है उसकी एक्सेस, सर्किल की जो एक्सेस होगी
वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल, नंबर वन पॉइंट। आपको इस सर्कल के कैरेक्टर पता होने चाहिए, सर्कल की कैरेक्टर्स पता होनी चाहिए। तो एक कैरेक्टर है उसका रेडियस, सर्कल का पहला कैरेक्टर कि जो रेडियस बनेगा वो एम इंटू वी अपॉन क्यू बी, फर्स्ट कैरेक्टर। दूसरा, सर्कल की जो एक्सिस होगी, एक्सिस ऑफ सर्कल विल बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस ऑफ सर्कल विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो सर्कल का एक्सिस एक्स डायरेक्शन में हो गया, मतलब कि सर्कल वाई जेड प्लेन में हो गया। दो बातें हो गई। और तीसरी बात, मतलब तीसरी बात, पहली बात ये होगी कि रेडियस ये है, सर्कल का एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल होने चाहिए, जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में सर्कल का एक्सिस होगा। और तीसरी चीज आती है कि जो सर्कल बनेगा वो क्लॉकवाइज मोशन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज मोशन में होगा। ये तीन बातें न्यूमेरिकल्स में बहुत ध्यान देनी पड़ती है। तो ये हम ना बहुत छोटे से प्रिंसिपल से ध्यान दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये एक्स डायरेक्शन माना है, ये वाई डायरेक्शन मान लिया, सपोज दैट ये एक्स और ये वाई है, और ओरिजिन से जो ओरिजिन है वहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ओरिजिन पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्यू विथ सम मास एम, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विथ सम मास एम, इसको हमने नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की, इनिशियल वेलोसिटी इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई यार कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, मतलब कि जेड एक्सिस अगर मैग्नेटिक फील्ड की है तो एक्स वाई प्लेन में ही सर्कल बनेगा, सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन, सर्कल विल बी इन एक्स वाई प्लेन, ये कंफर्म हो गया। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये सर्कल या तो ऐसे बन जाए या फिर इधर वाली साइड बन जाए। अब आपको ये डिसाइड करना है किधर वाली साइड पे बनेगा, इधर वाली साइड सर्कुलर मोशन होगा या इधर वाली साइड सर्कुलर मोशन होगा। मतलब जब हम चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव वाई डायरेक्शन में भेजेंगे तो उसके बाद ये ऐसे मुड़ता, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा या फिर दूसरे साइड पर जाएगा। इसके लिए इनिशियल मूवमेंट पर फोर्स का डायरेक्शन चेक कर लो आपका क्या है। मतलब मोशन स्टार्ट करते वक्त फोर्स की डायरेक्शन, और वो हम चेक करेंगे F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। वेलोसिटी की डायरेक्शन दी जा रही है नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब कि माइनस ऑफ जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी जा रही है नेगेटिव जेड एक्सिस यानी कि माइनस ऑफ के कैप। क्या बनेगा फोर्स वेक्टर डायरेक्शन में? माइनस जे क्रॉस माइनस के, मतलब कि जे क्रॉस के हो गया, मतलब कि फोर्स आई कैप डायरेक्शन में, यानी इस चार्ज के ऊपर फोर्स की ये डायरेक्शन है। अब आप बताओ इनमें से कौन सा सर्कुलर मोशन सही है, राइट साइड जो प्लॉट किया गया ये वाला सही है या फिर जो लेफ्ट साइड पर प्लॉट किया गया ये वाला सही है? जबकि फोर्स का डायरेक्शन आपको मालूम चल गया और ये भी पता है कि फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इसका मतलब यहां कहीं पर सर्कल का सेंटर बनेगी। तो ये ऑब्वियस है कि इसका मतलब यही पाथ हो गया इसके लिए। तो अगर इतनी चीजें आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चंस आराम से किए जा सकते हैं। फॉर्मूला तो चाहिए ही होता है, बट फॉर्मूले के अलावा ये भी चाहिए होता है, सर्कल की ओरिएंटेशन क्या होगी, सर्कल का प्लेन क्या होगा,
वो सर्किल का सेंटर कहाँ पर है, उसकी रेडियस कितनी है, ये कई सारे क्वेश्चंस। और रेडियस इसका हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे, रेडियस ऑफ सर्किल इज एम इनटू वी डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये बाय फॉर्मूला है। नेचुरली इसका सेंटर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आर कॉमा जीरो। अगर मैं क्वेश्चंस पूछना चाहूं कि इस सर्किल की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं इन मैथ्स इन्वॉल्व करके सर्किल की इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल इक्वेशन इज एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, आई थिंक इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जिसमें एच कॉमा के उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सही लिखा मैंने यार, यही होता है सर्किल का इक्वेशन। यस सर। एच कॉमा के इसमें क्या बन गए फिर, आर कॉमा, आर कॉमा जीरो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी सबको याद होता है यार, सभी को पता होता है, इसमें कोई नई बात है नहीं। दो तीन बेसिक चीज, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है उस वो उसके परपेंडिकुलर में, मतलब जेड एक्सिस है तो परपेंडिकुलर हो गया एक्स वाई, वो आपके सर्किल का प्लेन होगा, यानी सर्किल की इक्वेशन एक्स और वाई के बीच में बनेगी। इनिशियल मोमेंट पर वेलोसिटी आपको दिया जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन देखो, जिस तरफ फोर्स है उस तरफ सर्किल का सेंटर होना चाहिए, और इससे आइडिया लग जाता है कि सर्किल का सेंटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मिलेगा या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर मिलेगा, क्योंकि इनकी नीड इस टाइप के क्वेश्चंस में फंस जाएगी जब मुझे सर्किल की इक्वेशन चाहिए होगी या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन चाहिए होगा मेरे को। जैसे कि एक प्रैक्टिस के लिए और दे रहा हूं आपको, प्रैक्टिस के लिए सपोज दैट ये कहा जाए कि जो क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिख रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज ई है और मास एम है, एन इलेक्ट्रॉन चार्ज ई एंड मास एम, और starts with a velocity of v naught j cap in a magnetic field B given by v naught k cap। ये हो गया आपका, an electron e comma m starts with velocity v naught in the magnetic field B naught k cap, और उसकी जो initial location है उसकी electron की is 0, 0, मतलब कि origin से start होता है। Write the equation of circle, या राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ पाथ। सर्किल इसलिए हो गया बिकॉज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है यहां पर जे क्रॉस के, तो ये तो कंफर्म है कि जो पाथ है वो सर्किल है। अब आपको सर्किल की इक्वेशन चाहिए, तो किसी भी सर्किल की इक्वेशन मैथ्स में सीधा सा लॉजिक है यार, मैथमेटिक्स में सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, उसकी रेडियस चाहिए होती है, और साथ में ये पता होना चाहिए कि सर्किल कौन सी प्लेन में बन रहा है। सर्किल अगर एक्स वाई होगा तो आप एक्स को एक्स और वाई लिखोगे, सर्किल वाई जेड प्लेन में हो जाता तो यहाँ पर वाई माइनस एच और जेड माइनस के करना पड़ता। अगर सर्किल वाई जेड प्लेन में होगा, सर्किल जेड एक्स प्लेन में होगा तो कुछ और लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, रेडियस चाहिए होती है, और सर्किल का प्लेन चाहिए होता है। तीन बातें अगर मालूम है तो सर्किल की इक्वेशन लिखी जा सकती है, और एक एक करके तीनों का आंसर देख लीजिए। सबसे पहले सर्किल का प्लेन क्या बनेगा,
इसके लिए भी बोला था आपसे कि सर्किल का जो प्लेन होगा वो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया उसके परपेंडिकुलर, जो भी मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है उसके परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस दे रहे हैं इसके परपेंडिकुलर एक्स वाई, रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा, तो वो तो फॉर्मूला है सीधा सीधा, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्यू बी। और तीसरी चीज उस सर्किल का सेंटर कहां पर होगा, वेयर इज सेंटर ऑफ सर्किल, तीन बातें प्लेन रेडियस सेंटर, प्लेन ऑफ सर्किल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, रेडियस ऑफ सर्किल सेंट्रिपिटल फोर्स वाली फॉर्मूले से आता है एमवी अपॉन क्यूबी, सेंटर ऑफ सर्किल ये फोर्स की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो जब ये स्टार्ट हुआ था उस समय देखो जरा फोर्स किधर है, स्टार्ट करते वक्त जब इसने स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग मूवमेंट पर फोर्स की क्या डायरेक्शन बन रही है, उससे मालूम चल जाएगा कि सेंटर कहां पर होगा इसका। तो स्टार्टिंग मोमेंट पर फोर्स बराबर क्यू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी क्या बनेगा डायरेक्शन बताना, वेलोसिटी आपका जे कैप के अलोंग दिया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कैप के अलोंग दिया जा रहा है, वेलोसिटी जे कैप मैग्नेटिक फील्ड के कैप क्रॉस करेंगे जे क्रॉस के करेंगे आई कैप। लेकिन यहां पर एक और चीज है, जो लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन है उसमें चार्जेस को आप उनके रिस्पेक्टिव साइन के साथ रखेंगे, मतलब ये कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो हम चार्ज का साइन भी कंसीडर करेंगे, यहां पर साइन ऑफ चार्ज कंसीडर किया जाएगा माइनस का, मतलब लॉरेंज फोर्स की जब डायरेक्शन देखने की बात आएगी तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इनके डायरेक्शंस के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब यहां पर प्रोटॉन होगा तो अलग रिजल्ट है, इलेक्ट्रॉन होगा तो अलग रिजल्ट है। माइनस ऑफ जे क्रॉस के बनाइए, माइनस ऑफ जे क्रॉस के मतलब कि कुल मिलाकर के माइनस आई के, यानी फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहां से हमने इलेक्ट्रॉन को ओरिजिन से इलेक्ट्रॉन्स को वाई डायरेक्शन की तरफ भेजेंगे और फोर्स आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ अगर फोर्स है तो ये कुछ इस टाइप का सर्कुलर पाथ फॉलो कर जाएंगे, मतलब ये सर्कुलर पाथ सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स में बनेगी। ऐसे में सेंटर ऑफ सर्किल, ऑब्वियस ही बात है सेंटर ऑफ सर्किल इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस आर कॉमा जीरो। अब आप इसकी इक्वेशंस वगैरह या जो कुछ चाहिए वो सब आ जाएगा यहां से, हर एक आंसर दिए जा सकते हैं। कुछ पूछना है यहां तक में कुछ डाउट है? ठीक है,
तीसरा केस आता है ट्रेजेक्ट्री का, थर्ड केस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो बट यूनिफॉर्म, और साथ में तीसरी कंडीशन इनिशियल वेलोसिटी नॉन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, नॉन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल वेलोसिटी नॉन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, नॉन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, बचेगा कौन सा केस यार, अगर परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है तो एट एन एंगल, एट सम एंगल, किसी एंगल पर, बिल्कुल सही, वो एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है। तो इसमें कहते हैं कि इन तीन कंडीशंस के बाद अगर ये तीनों कंडीशंस हैं एक साथ तो इसका रिजल्ट ये आता है कि जो ट्रेजेक्ट्री बनती है वो एक थ्री डायमेंशनल हेलिकल पाथ, और थ्री डायमेंशनल हेलिकल पाथ अब ये भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है इसका, इसको डिस्क्राइब करना होगा हेलिकल पाथ जो बनेगा उसमें इक्वेशंस क्या आएंगी। तो इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, एज एग्जांपल कुछ कोट करते हैं, एक एग्जांपल के फॉर्म में चलते हैं, जस्ट एज एग्जांपल। सपोज एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल विथ मास, उसका कुछ मास लिखते हैं हम लोग एम, विथ मास एम, starts from origin 0,0,0 with velocity v naught equals to v naught by 2 i cap plus root of 3 j cap, v naught by 2 into i cap plus root of 3 j cap, and magnetic field is given by B naught J cap, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, B naught J cap। तो ये ऑब्वियस नहीं हो गया, देखो ना तो ये पैरेलल वेक्टर्स है ना परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए, बिकॉज इसमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों है, इसमें सिर्फ y है, तो ना तो ये पैरेलल हुए ना ये परपेंडिकुलर हुए, यानी इसके अंदर हेलिकल पाथ बनेगा। लेकिन क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रेंड, फाइंड एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स एज फंक्शन ऑफ टाइम टी, मतलब कि टी सेकेंड्स के बाद उसमें कितना एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कितना वाई कोऑर्डिनेट होगा और कितना जेड कोऑर्डिनेट होगा, ये हमें एज ए क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल के हिसाब से देख लेते हैं। क्योंकि एग्जाम्स में थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछते हैं यार वो लोग, और इन्हीं के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और ये चैप्टर मैंने इसलिए भी उठाया है कि ये फिर एक मैकेनिक्स है और कुछ नहीं, इसमें मैग्नेटिज्म नाम का ही है, मैग्नेटिज्म सिर्फ इतना ही है कि लॉरेंज फोर्स का ये फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं, रेस्ट ऑल मैग्नेटिज्म से इसका कोई लेना देना है नहीं, अल्टीमेटली मैकेनिक्स है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, जो वेलोसिटी में हमारे दो कंपोनेंट्स है ना यार, वेलोसिटी में दो कंपोनेंट्स, उनमें से एक एक कंपोनेंट को अलग अलग करके देखें, अगर
अगर वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक यहाँ पर एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, और मैग्नेटिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट है, तो वेलोसिटी के इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कंसीडर करके देखते हैं क्या बनेगा। अगर मैं इनको सेपरेटली कंसीडर करके देखूं तो पहले ये रहते हैं मोशन बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। पहले आप इसको देख लो, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का मोशन क्या होगा, और ये हम कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से लेकर के और काइनेमेटिक्स में जब भी मोशन टू डायमेंशंस में होते हैं या मोशन थ्री डायमेंशंस में हो रहे होते हैं तो हम अलग अलग डायमेंशन को अलग अलग सॉल्व करते हैं। एक्स डायमेंशन की मोशन अलग सॉल्व की जाएगी, वाई डायमेंशन की अलग की जाएगी, जेड डायमेंशन की अलग की जाएगी। तो हम कोई नया काम नहीं करने वाले, जो काम प्रोजेक्टाइल मोशन में किया गया था कि मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग और मोशन वाई एक्सिस के अलोंग सेपरेट इक्वेशंस बनाई गई थी, हम वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो अगर आप वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की बात करें या फिर पहले वाई कंपोनेंट जल्दी निकालें, मोशन बाय वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये ज्यादा आसान है तो पहले इसको कंप्लीट कर लूं। जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हुआ वो तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड भी वाई एक्सिस के लोंग है। तो मोशन बाय वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो गए तो ये टर्म हो गया जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही जीरो है, यहां पर भी जीरो आ रहा है, यहां पर भी जीरो आ रहा है, मतलब कि वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट्स की वजह से कोई फोर्स नहीं मिलेगी। दैट मींस सिंपली एक कांस्टेंट वेलोसिटी का स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब कि y डायमेंशन का जो मोशन है वो एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इससे हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। y कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का y कंपोनेंट रूट थ्री बाई टू वी नॉट, रूट थ्री बाई टू वी नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो t टाइम के बाद वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन द y एक्सिस। एक कोऑर्डिनेट मेरा आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट इसमें ध्यान दीजिएगा, मतलब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुआ उस डायरेक्शन में एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल चलेगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये फर्स्ट रिजल्ट। क्लियर है ये वाला पॉइंट? सभी को हो गया क्लियर? यार किसी को पूछना है इसमें कोई? सब क्लियर है। ठीक, अब आते हैं दूसरा पार्ट, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है उसका क्या होगा। सेकंड, ये पहला हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। वाई कोऑर्डिनेट आ चुका है, हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाई निकाल लिया। नाउ द मोशन बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, सुनिएगा, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर, मतलब यहां पर एक सर्कुलर पाथ आने वाला है। सर्कुलर मोशन बनेगी यहां पर, और अभी हमने आपसे कहा तीन बातें ध्यान रखनी है। जैसे ही सर्कुलर मोशन बने अपने आप से ये क्वेश्चनिंग करो कौन सी प्लेन में कितनी रेडियस का और उसका सेंटर कहां पर होगा।
सर इस क्वेश्चन में सेंटर की जरूरत नहीं है मेरे को, तो हम प्लेन और रेडियस दो ही बातें करेंगे सर, प्लेन क्या बनेगा और रेडियस क्या बनेगा। और सर्किल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में दी जा रही है तो इसका मतलब जेड एक्स प्लेन में एक सर्कुलर पाथ होगी और रेडियस सेंट्रिपेटल फोर्स वाले फॉर्मूले से जो डेरिवेशन होती है हमारी, वो ये कहती है कि रेडियस बराबर एम अपॉन क्यू इंटू बी और यहां पर वेलोसिटी, बट यहां पर वेलोसिटी कौन सी लेंगे तो ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब कि वी नॉट बाई टू, क्योंकि वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट से सर्कुलर मोशन नहीं आ रहा था, उसकी वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा था। जिस कंपोनेंट से सर्कुलर मोशन आएगा वो कंपोनेंट यहां पर यूज करके रेडियस फाइंड करेगी। और अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे यार, देखो तो नॉर्मली आप जेड एक्स प्लेन, उसके लिए एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसको, ये हमारा, इसको अपना एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स जेड है, क्योंकि इसी प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा एंड पार्टिकल स्टार्टिंग में ओरिजिन पे था, स्टार्टिंग में पार्टिकल ओरिजिन पे, इनिशियल मोमेंट पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा उसको, इनिशियल मोमेंट का फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स सेंटर को लोकेट करने के लिए, सेंटर को लोकेट करने के लिए आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखनी पड़ेगी, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखने के लिए क्यू वी क्रॉस बी होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखने के लिए। तो हमने इसमें अल्फा पार्टिकल लिया है, मतलब कि क्यू पॉजिटिव है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यूज कर रहे हैं आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में थी जे कैप, तो पॉजिटिव आई कैप क्रॉस जे कैप कुल मिलाकर के ये बन रहा है पॉजिटिव आई क्रॉस जे। शायद ये माइनस के कैप आएगा, पॉजिटिव आई क्रॉस जे अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो ये माइनस ऑफ के कैप आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, ये माइनस के कैप, पॉजिटिव के कैप आएगा, पॉजिटिव आएगा, यस यस सर पॉजिटिव, आप सही है, पॉजिटिव के कैप। तो अब आप इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे दिखाओगे, क्वेश्चन में इसकी जो वेलोसिटी दी गई थी क्वेश्चन में एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो इसका मतलब वो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, एक्स डायरेक्शन में, वी नॉट बाई टू आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी वॉज वी नॉट बाई टू आई कैप, और फोर्स आ रहा पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, यानी इधर फोर्स आ रहा है, यानी यहां कहीं पर सर्किल का सेंटर है, इसका मतलब कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री बनेगा, ऐसा कुछ सर्कुलर पाथ बन जाएगा इसका। और टी सेकेंड्स के बाद जो अल्फा पार्टिकल ओरिजिन पे था वो कुछ टाइम बाद यहां कहीं पर आ जाएगा, आफ्टर टी सेकेंड्स अल्फा पार्टिकल उस सर्किल पर मूव करता हुआ, मूविंग ऑन सर्किल यहां से यहां आ गया, और इसने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम की, एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई इसकी, रेडियस इसका आर है जो कैलकुलेट कर चुके हैं एम इंटू वी नॉट बाय टू क्यू बी। अब इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए
यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते, तो जो परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉप करेंगे ये लेंथ, हाइट ऑफ दिस परपेंडिकुलर, ये इसका जेड कोऑर्डिनेट हो गया। जो भी यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसकी हाइट इज जेड कोऑर्डिनेट। और थोड़ा सा अगर आप अपना ब्रेन यूज करो तो इट विल बी आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी। ये बात समझ आए कि ये कैसे बनेगा, आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी क्यों लिख रहे हैं इसको, ये वाली हाइट को, ये टोटल आर है, ये टोटल आर है। और जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उसका ये फुट पॉइंट, परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होगा, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और अगर ये आर है ये ओमेगा टी है, तो इस परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि ये लेंथ आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी। अब इसमें ओमेगा क्या है, तो ये पहले ही डिस्कस हो चुका था कि ओमेगा बराबर क्यू बी डिवाइडेड बाय मास, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल है। एंगुलर स्पीड ऑफ चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि वो हेलिकल पाथ कर रहा है कि सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, वो उसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में आता है। ओमेगा इज ऑलवेज क्यू इंटू बी डिवाइडेड बाई एम, चाहे वो सर्कुलर मोशन कर रहा हो, चाहे वो हेलिकल मोशन कर रहा हो, चाहे किसी भी और तरीके का कर्व बन रहा हो, कैसा भी ट्रेजेक्टरी बन रहा हो, एंगुलर स्पीड क्यू बी बाई एम ही रखोगे बार बार। ओमेगा ओमेगा जब भी जरूरत पड़ेगी आपको क्यू बी बाई एम। तो नाउ एक्स कोऑर्डिनेट भी आ गया बिकॉज आर और ओमेगा, तो आर को रिप्लेस करेंगे एम वी नॉट बाई क्यू बी इंटू टू से, ओमेगा को रिप्लेस करेंगे क्यू बी बाई एम से। तो जेड कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम पहले ही निकाल चुके थे, इसके पहले वाई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी निकाल चुके हो। So all the three coordinates as a function of time. ठीक है ये बात? Yes sir. Yes sir. ये तीन अगर आपको समझ आ जाएगा ना तो फिर सब आसान हो जाता है। मेन प्रॉब्लम ये होती है जैसे ही सर्कुलर मोशन वाला पार्ट आए सबसे पहले प्लेन, और बड़ा आसान सा आंसर है, सब बहुत आसान है। प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेंटर फोर्स की डायरेक्शन देख लो, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा सेंटर भी उधर ही होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स है, इट मस्ट बी टुवर्ड्स सेंटर। तो ये अगर हम इस तरीके से करेंगे तो नॉन कैलकुलस मेथड में, मतलब बिना कैलकुलस का यूज, इनके सॉल्यूशंस और भी हैं, लोग और भी तरीके से सॉल्व करते हैं यूजिंग कैलकुलस, डिफरेंशिएशन यूज करके फिर इंटीग्रेशन लगा करके, वो भी एक ऑप्शन है। ये जो तरीके बता रहा हूँ ये नॉन कैलकुलस अप्रोच है, पूरी तरीके से कंप्लीटली नॉन कैलकुलस मेथड। और स्पीड तब आएगी तुम्हारी जब इनको सेल्फ अटेम्प्ट करोगे, मैं फिर बोला सुनने से स्पीड नहीं आने वाली, कभी नहीं आएगी। इसी क्वेश्चन को खुद से कर लो टाइमर लेकर के, स्टॉप वॉच ऑन करके करके देखो आप। आगे बढ़ते हैं यार, ये तीन तीन केसेस हो गए। अब कुछ अलग डिफरेंट सिचुएशंस पे आ रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, बोथ आर नॉन जीरो बट बोथ आर यूनिफॉर्म।
दैट मींस कि दोनों फील्ड्स एक साथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों यूनिफॉर्म है, दोनों ही प्रेजेंट है। अभी आपने वन बाय वन देखा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, जब ये नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या तो स्ट्रेट पाथ होता है या पैराबोला बनता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो यहां पर या तो स्ट्रेट बनेगा या तो सर्कल बनेगा या हेलिक्स बनेगी। मतलब इसमें स्ट्रेट और पैराबोला, इसमें स्ट्रेट, सर्कल, हेलिक्स, तीन पॉसिबिलिटी है, और अगर दोनों एक साथ होंगे तो कुछ नई पॉसिबिलिटीज भी आएंगी, सम न्यू पॉसिबिलिटीज। तो पहले तो मैं कुछ जनरलाइज क्वेश्चन पूछेंगे इसके ऊपर, जो सिर्फ इसके सिर्फ ये इक्वेशन समझनी है, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, बस इतना सा समझना है। तो पहले कुछ जनरल क्वेश्चन आंसर करेंगे, बेसिक क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, बेसिक क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर वन, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के नॉन जीरो होने के बावजूद एफ जीरो आ जाए? कैन वी हैव एफ इक्वल टू जीरो? इसके साथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, कैन वी हैव फोर्स इक्वल टू जीरो? यस सर। कैसे? सब बोथ आर परपेंडिकुलर, सीधा मैथ्स है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है एफ इक्वल टू जीरो, कैन वी हैव एफ इक्वल टू जीरो? आंसर यस, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर आंसर है, यस हो सकता है, पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लगने के बावजूद रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना 100% पॉसिबल है। कैसे? अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शंस के हो जाएं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस टाइम्स वी क्रॉस बी हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस टाइम्स वी क्रॉस बी, जब ये कंडीशन आ जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज क्यू को हम कॉमन कर लेते हैं, क्यू कॉमन कर लीजिए, तो ये बचा है ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नेगेटिव के बराबर आएगा तो ये टोटल वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो यस इट इज पॉसिबल। और जीरो फोर्स का मतलब क्या क्या होगा वहां पर? इफ वी कैन हैव एफ इक्वल टू जीरो, That means, can we have F equal to zero? इसको अदर तरीके से भी पूछ सकते हैं। Having zero force means having straight path. Having zero force means moving with constant speed. तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो यार। Can a particle move at constant speed in the presence of electric and magnetic field? Yes, it can move. Can a particle move on the straight path in presence of electric and magnetic field? Yes, it can. Because जब F zero हो सकता है तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है फिर तो। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस वी क्रॉस बी, ये कंडीशन जहां भी फुलफिल हो जाएगी वहां पर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर जाएगा, जहां पर भी ये कंडीशन फुलफिल होगी। दिस इज क्राइटेरिया फॉर लॉरेंज फोर्स टू बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस वी क्रॉस बी। देखिए सिमिलरली उल्टा भी तो हो सकता है, क्या चीज बताइए सर? मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ वी क्रॉस बी है तो अगर बी भी नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा। मतलब ये जो आप कह रहे हो मेरे ख्याल से कि बी बराबर वी ई क्रॉस बी कर दें, मतलब वी यहाँ ई लिख दें यहाँ बी लिख दें? नहीं 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 सर। हाँ
सर बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई. नहीं बच्चा रुको समझाते हैं. रुको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट है ना. डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है यार. क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना. समझाते हैं. रुको भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू. ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट है. बार बार समझा क्रॉस प्रोडक्ट. तो एलएचएस पर जो चीज है ये इसके 90 डिग्री पे होना चाहिए. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैं इतना तो कंफर्म है. अगर जीरो फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है और उसके बाद भी जीरो फोर्स आ रही है तो ये श्योर है. ये 100% कंफर्म आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के 90 डिग्री एंगल पर होगा. दोनों के 90 डिग्री एंगल पर. फॉर एग्जांपल हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दें. सेपरेशन यहां पर डी है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो कहां पर आएगी. और मैंने कैपेसिटर का एग्जांपल इसलिए लिया है. एग्जांपल ऑफ कैपेसिटर इसलिए चूज किया है बिकॉज कैपेसिटर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर ही एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. इसीलिए आप देखोगे जब भी क्वेश्चन आते हैं वो इनसाइड कैपेसिटर आते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ हो जाएगी एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस v डिवाइडेड बाय प्लेट सेपरेशन d. पहला कंसेप्ट. सपोज दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद सम वेलोसिटी. इसमें यार थोड़ा सा ना कैपिटल v लिख देते हैं और इसको स्मॉल v डिफरेंशिएट करना. कैपिटल v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है और स्मॉल v वेलोसिटी के लिए. नाउ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड इट इज मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ. दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ. ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है. क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. ये क्वेश्चन में गिवन. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. An electron is moving along a straight path with a constant velocity. Where is the magnetic field and how much is the magnetic field? तो ये कंसेप्ट लगाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस ऑफ वी क्रॉस बी. मतलब अच्छा कहां पर होगा. दो ही पॉसिबिलिटी है इसमें. वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड. दो ही पॉसिबिलिटीज हैं. अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो. राइट साइड एक्स डायरेक्शन है और ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन और अंदर की तरफ माइनस जेड डायरेक्शन है. क्रॉस करके नेगेटिव जेड है. भैया ये लाओ ना यार ई वी बी सब आपस में 90 डिग्री करो. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई एक्सिस है.
डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी एक्स एक्सिस हो गया, मतलब ये चीज एक्स एक्सिस है, ये चीज वाई एक्सिस है, ये चीज वाई एक्सिस है, जेड क्लियर हो गया भाई। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये बात क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होना चाहिए फिर? अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट पाथ, जिसका मतलब हो गया फोर्स जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट पाथ का मतलब एफ जीरो, एफ जीरो का मतलब ये कंडीशन, जीरो फोर्स का मतलब ये कंडीशंस लगे। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होने के लिए कौन सी डायरेक्शन बताओगे आप? नेगेटिव जेड। नेगेटिव जेड, फिर से सोच के बताओ, मैं फिर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट, तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन आती है भाई? सिर्फ z एक्सिस, सिर्फ z एक्सिस, या फिर जेड एक्स प्लेन में कोई भी लाइन खींच लो आप, जेड एक्स प्लेन में कोई भी डायरेक्शन होगी वो y के परपेंडिकुलर होगी। यस सर, यस सर। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी somewhere in the zx plane, magnetic field, भाई आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि magnetic field perpendicular to electric field है, हमें electric field के बारे में confirmation है कि electric field y direction में है, ये y हो गया, तो y के perpendicular तो z भी होता है और y के perpendicular x भी होता है, तो magnetic field z और x दोनों directions में हो सकती है। ठीक है, अब समझ में आया क्या बात आपको? मैग्नेटिक फील्ड कैन बी, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इन एनी डायरेक्शन इन द जेड एक्स प्लेन। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन में एक नया वर्ड ऐड कर दूं, फाइंड मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो अब हम कंडीशन लगाएंगे यार, ई वेक्टर बराबर माइनस वी क्रॉस बी है, तो इसका आंसर देने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस वी क्रॉस बी, इसका आंसर देने के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। So magnitude of electric field or cross product VB sine theta, and that means ki magnetic field will be equals to electric field E divided by V into sine of theta. Minimum magnetic field puch rahe hain aapse. मिनिमम तब आएगा जब डिनोमिनेटर का साइन थीटा वन ले लोगे आप, मैक्सिमम वो कंडीशन हो जाएगी मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज ई बाई वी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल वी बाई डी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, और जो यहां पर v है वो स्पीड है, इसको v नॉट कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, v नॉट स्पीड, इनिशियल स्पीड, तो ये मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड है। सर माइनस मैग्नीट्यूड कंपेयर किया भाई साहब, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों तरफ पॉजिटिव होंगे,
माइनस का मतलब डायरेक्शंस के लिए था, माइनस मैग्नीट्यूड में नहीं जाएगा। तो ये फर्स्ट केस है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मतलब मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि लॉरेंज फोर्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस होने के बावजूद, दोनों के साइमल्टेनियस प्रेजेंस के बावजूद जीरो फोर्स की कंडीशंस बन सकती हैं। साइमल्टेनियस प्रेजेंस के बावजूद भी जीरो फोर्स आ सकता है। सर ये जो फिगर बनाया है जिसमें पोटेंशियल लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जेड एक्स प्लेन में होगी, लेकिन उसका जेड कंपोनेंट नेगेटिव होगा ना। हाँ, जेड कंपोनेंट, गुड पॉइंट, जेड कंपोनेंट किधर होगा। तो ये बताओ बच्चा, ये बताओ, इसको देखो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपका नेगेटिव आई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव आई, मतलब यहां पर माइनस जे कैप है। वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है, यानी यहां पर आई कैप है। अब यहां पर क्या आना चाहिए बताइए, खुद बताओ क्या आना चाहिए। और इधर माइनस भी है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर जाएंगे, तो कुल मिलाकर के इधर जे कैप बचेगा, इधर आई क्रॉस। अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये वेक्टर से आप अपने आप देखो ना, माइनस के जे है, राइट साइड आई एंड क्रॉस समथिंग। अब वो समथिंग क्या होगा, क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या रख दे कि इधर जे कैप आ जाए, माइनस के। यस सर, माइनस के। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट माइनस के कैप होना चाहिए, मतलब कि अंदर की तरफ होना चाहिए, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। इनसाइड में 100% एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये श्योर है, बिना उसके ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल सकता ये। यस सर, ठीक है। देखिए जहां वेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा वो वैसे भी डिफिकल्ट हो जाता है, मैं फिर बोलूं, और स्पेशली अगर क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो गया तो। सर हाँ जी पूछो। पर सर अभी तो हमने लिखा था कि b can be in any direction in z x plane। नहीं, तो आपने सुना नहीं उसका जो कांसेप्ट, वो जो पूछ रहा है ना, वो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड z x प्लेन में होगी, उसका जो z कंपोनेंट होगा वो अंदर होगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ z कंपोनेंट दिखा रहा हूं मैं कि वो अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड का x कंपोनेंट तो हम बता ही नहीं सकते किधर होगा। यस सर, मैग्नेटिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन नहीं बता सकते आप, क्यों नहीं बता सकते, देखो ये जो अननोन है यहां पर आप माइनस के और प्लस माइनस आई कैप लिखो, जरा क्या आएगा आंसर, क्या ये पूरा जे कैप ही नहीं आएगा। यस सर, तो इसका मतलब आई कैप का साइन तो आप बता ही नहीं सकते हो कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट हो सकता है राइट साइड हो, मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट हो सकता है लेफ्ट हो, उसके बारे में हम बता ही नहीं सकते। क्लियर हो गया पॉइंट अभी नहीं? यस सर, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गया इसमें। नेक्स्ट आओ, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये दिखाई आपको कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में जीरो फोर्स बन सकता है, स्ट्रेट लाइन पाथ बन सकती है, और कंडीशन हो गई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये उसको रटना नहीं है यार कंडीशन, मतलब आप इसको जीरो कर दो ना, सिर्फ लॉरेंज फोर्स को जीरो करिए, डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा आपका सही होना चाहिए कंसेप्ट। नाउ एक और नई सिचुएशन ले रहे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों नॉन जीरो,
इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों नॉन जीरो लेकिन सेम डायरेक्शंस में, तो इसको प्रॉब्लम्स के ही फॉर्म में इसको भी करेंगे, जितने भी केसेस हैं इनको न्यूमेरिकल वाइज ही करते हैं। अब प्रोटॉन का एग्जांपल लेते हैं, प्रोटॉन स्टार्ट्स विद v नॉट j कैप इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज e नॉट i कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड इज b नॉट i कैप। मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा है, मतलब थोड़ी सी अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो कुछ मिस्टेक दिख जाएगी, मैं उतना लिखूंगा जिससे क्वेश्चन समझ में आ जाए। प्रोटॉन इतनी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्स डायरेक्शन में है, पैरेलल है, और स्टार्ट भी वो ओरिजिन से हुआ है, 0.0.0 स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, और जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्वेश्चन का होता है वो ये होता है कोऑर्डिनेट्स निकालने का, फाइंड उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एज फंक्शन ऑफ टाइम, यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। डिफिकल्ट मतलब कि अगर इसकी रीजनिंग समझ में आ जाएगी तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आंसर करने को हम तैयार है। एंड अगेन अ नॉन कैलकुलस अप्रोच चाहिए मेरे को, अ नॉन कैलकुलस लॉजिकल अप्रोच, क्योंकि मैथ लगा कर तो हर कोई कर लेगा भाई, और उतना टाइम होता नहीं है। मैथ्स नहीं लगाएंगे, मतलब मैथ्स का मतलब थोड़ी सी मैथ तो चलेगी, बट वो कैलकुलस वाले कंसेप्ट और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो सब नहीं करने मेरे को इसमें। सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है तो एक बड़ा अजीब सी बात होने वाली है, जो हमारा लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज फोर्स उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स q टाइम्स e है और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स q टाइम्स v क्रॉस b है। वेक्टर्स का कंसेप्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ये हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आएगी, ऑलवेज पैरेलल, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है क्यू के पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से, बट पैरेलल वेक्टर्स होंगे। पैरेलल का मतलब ये नहीं कि सेम डायरेक्शन, दे कैन बी इन द सेम डायरेक्शन और दे कैन बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। और यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा वो हमेशा ही परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, बिकॉज यहां क्रॉस कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हो, तो जो भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है उसके तो 90 डिग्री एंगल पर ही फोर्स आएगी। और हम लोगों ने कंडीशंस क्या ली हुई हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शंस, तो क्या ये कंक्लूजन कहना सही होगा कि इस स्पेसिफिक न्यूमेरिकल में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी? यस सर, यस सर। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ई और बी सेम डायरेक्शंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ई और बी आपस में पैरेलल है, तो यानी ये फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है। यस सर, ठीक है ना, ये रीजनिंग सही है दैट इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स।
ठीक हाँ जी, तो क्या ये फोर्सेस एक दूसरे पर कोई इफेक्ट डालेंगे? अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो क्या मैग्नेटिक फोर्स का कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं? नो सर, नहीं जाएगा। यानी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट फोर्स माने जाते हैं। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स मतलब इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि किसी का भी कंपोनेंट दूसरे फोर्स में ऐड नहीं हो सकता। मतलब दीज टू फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इनका। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स अलग तरीके से काम करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स इंडिपेंडेंट वर्क कर रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट। तो जब ये फोर्सेस इंडिपेंडेंट हैं तो इनके इफेक्ट भी इंडिपेंडेंट आएंगे, और यही मेरे क्वेश्चन करने का लॉजिक है। क्वेश्चन को प्रोसीड करने का लॉजिक मेरा यही रहने वाला है। मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अलग कंसिडर करूंगा और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अलग कंसिडर करूंगा, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इंडिपेंडेंट फोर्सेस काम करेंगे। तो पहले आप इलेक्ट्रिक हाँ जी सर, हर क्वेश्चन मेरी अप्रोच। नहीं भाई नहीं, मैं दो तीन बार मैंने एक लाइन बोली है, इन दिस प्रॉब्लम तीन बार बोला मैंने। मतलब मैं ये जनरलाइज नहीं कर रहा आपसे, ये चीज मैं जनरलाइज नहीं कर रहा कि ये दोनों परपेंडिकुलर आएंगे। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि आपने ई और बी सेम डायरेक्शन में लिए हुए, मतलब ये काम सिर्फ वही, मतलब आप अगर मैं पूछना ही चाह रहे हो तो सिर्फ वो केस जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन के अंदर है, उनमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट फोर्स देंगी। बट ये जनरलाइजेशन नहीं है, ये किसी भी क्वेश्चन में कर दे इसको। बोलिए, ये आर्ग्यूमेंट समझ में आया तो आगे सॉल्व करें, ये इसका लॉजिक है कि करना क्या है मुझे। यस सर, लॉजिक मिल गया, अब प्रोसीड करें। लॉजिक ये हो गया, अब इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर मैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो क्या होगा, एक एक करके देखिएगा। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भूल जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, अब भूल जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को इग्नोर कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉम्बिनेशन बन रहा, ये कौन सा ट्रेजेक्टरी देगा मुझे? वेलोसिटी वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस, ये कॉम्बिनेशन क्या देगा? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, तो ये कॉम्बिनेशन आपको एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही सर्कुलर पाथ की बात हुई, हमने तीन चीजें अपने मन में कैलकुलेट कर ली, या आपने इसे क्वेश्चन आंसर किया, कौन सी प्लेन में सर्कल किस प्लेन में आएगा? तो आंसर बना मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब YZ प्लेन में। उसका क्या रेडियस बनेगा? M अपॉन QB मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी V नॉट। और क्या सेंटर बनेगा उसका? यही तीन क्वेश्चन करते रहिए, प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हम YZ प्लेन ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक YZ प्लेन पहले ड्रॉ किया, स्टार्टिंग में 0,0,0 यानी कि ओरिजिन पर है, यहां से स्टार्ट होना है। वेलोसिटी जे कैप है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। और सेंटर के लिए मैंने हमेशा कहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखा करो, सेंटर की लोकेशन पता करने के लिए
आपको कैपिटल एफ वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चाहिए, वो इससे आएगा वी क्रॉस बी करके। दो कंपोनेंट है, नहीं नहीं दो कैसे आएंगे, डायरेक्शन वाइज कैसे, वही तो पूछो कैसे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इग्नोर किया हुआ है और आपने शायद सुना नहीं होगा, मेरा जो आर्ग्यूमेंट था उस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से मैं मैग्नेटिक फील्ड को अलग कंसीडर कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग कंसीडर करूंगा, एक साथ कंसीडर नहीं कर रहे। यानी जब मैं मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, मैं इसको भूल चुका हूं। तो फोर्स सिर्फ वी क्रॉस बी से आएगी, यानी जे क्रॉस आई से, और जे क्रॉस आई से किधर फोर्स आएगी, माइनस माइनस, हाँ यानी नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, इधर, और फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर, यानी यहां कहीं सेंटर। तो कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ और टी सेकेंड्स के बाद ओमेगा टी एंगल का डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया रेडियस आर, और अभी जो काम किया था वैसा ही काम यहां पर भी कर सकते हैं। इस पार्टिकल से वाई और जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जेड कोऑर्डिनेट आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी है विथ अ नेगेटिव साइन, बिकॉज जेड एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है, एंड वाई कोऑर्डिनेट आर साइन ओमेगा टी है। क्या ये बात समझ आई? यस सर। अगेन नॉन कैलकुलस अप्रोच चल रही है, नॉन कैलकुलस फिर से बोल रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप बिना कैलकुलस यूज किए आंसर दे रहे हो। और मैं क्यों कोऑर्डिनेट्स लिखवा रहा हूं तुम लोग को, एक बार कोऑर्डिनेट आ गया ना तो काइनेमेटिक्स में इनको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी के रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आ जाएंगे। वाई को डिफरेंशिएट करिए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, जेड को डिफरेंशिएट करिए वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट, एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स, मतलब एक बार पोजीशन मिल गई फिर तो काइनेमेटिक्स में कहीं भी एंटर कर दो। तो वाई जेड आ गया यार, और अभी ये देखने में लग रहा है क्योंकि बातचीत हो रही है, समझाया जा रहा है ना, इसलिए लग रहा है 5-7 मिनट लग भी रहे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ एक बार अपने आप ट्राई कर लोगे तो ऐसा लगेगा ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव है। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हो गया, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अलग देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग सा इफेक्ट, और उस समय मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर नहीं करेंगे, सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखते हैं, नेग्लेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो पैराबोलिक पाथ बन जाता है। और मैंने वैसे भी कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट वैसा ही होता है जैसा ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। ये नोट कर लिया भाई आपने? यस सर। यस सर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड माइंड में नहीं रहेगा मेरे, मैग्नेटिक फील्ड का काम खत्म हो चुका है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट। इसको समझने के लिए एक बार मैं ना ग्रेविटी का एग्जांपल दूंगा आपको। मैंने एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल थ्रो किया मैंने इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस में
कैसी ट्रेजेक्ट्री बनेगी इसकी? स्ट्रेट लाइन। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा टी टाइम के अंदर ये? तब ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे आप? 10 into t 10 t। ये इन ग्रेविटी फ्री स्पेस हो रहा है, और अगर ग्रेविटी की प्रेजेंस में होता ये चीज, अगर यही 10 meter per second आप राइट साइड दें, लेकिन ग्रेविटी की प्रेजेंस में, तो ये पैराबोलिक पास हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। उस केस में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी आएगा और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करेगा ये और कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करेगा? क्या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अभी भी 10 into t नहीं होगा? यस सर। यस सर। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाफ gt² होगा? यस सर। यस। तो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी? बिकॉज 10 into t तो तब भी हो रहा था जब ग्रेविटी नहीं थी। ट्रेजेक्टरी, एक तो चेंज ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब इफेक्ट का मतलब, इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रिक ग्रेविटी की वजह से कौन सी डायरेक्शन में आपने कोऑर्डिनेट अटेन किया। 10 into t का तो डिस्प्लेसमेंट आप तब भी करते जब ग्रेविटी नहीं होती, और वो अभी कर रहे हो, तो 10 into t ये इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी तो है नहीं, ये तो इफेक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब विच डिस्प्लेसमेंट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ऐसे पूछ लेता हूँ, विच डिस्प्लेसमेंट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी? वर्टिकल हाफ gt². ऐसा ही मैं यहां बोले जा रहा हूं, वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, मतलब कोऑर्डिनेट्स प्रोड्यूस करने के फॉर्म में, ये कौन सी डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट देगा आपको? पॉजिटिव x-axis will be half g की जगह पर acceleration by the electric field qe/mass or into t²। That is the only effect of electric field। Trajectory के अलावा, trajectory तो बाद में देखिएगा, but coordinates produce करने में, displacement produce करने में electric field का यही effect है। Just like यहाँ पर displacement produce करने में ग्रेविटी का इफेक्ट हाफ gt² है, और 10 into t वेलोसिटी का इफेक्ट है। दोनों इफेक्ट्स के एक साथ होने से प्रोजेक्टाइल बनता है। तो दो कोऑर्डिनेट्स पहले निकाल चुके थे, तीसरा कोऑर्डिनेट ये आ गया, तीनों कोऑर्डिनेट सॉल्व हो गए, xyz तीनों आ गए। बट ये मेथड इतने तरीके से तभी होगा जब प्रॉब्लम के अंदर ये श्योर हो जाओ आप ई और बी सेम डायरेक्शंस में है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड का अलग इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए। अब ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन पैराबोला, मैग्नेटिक फील्ड अलोन सर्कल, लेकिन दोनों की साइमल्टेनियस प्रेजेंस में ट्रेजेक्ट्री ना तो पैराबोला होगी ना सर्किल होगी, बिकॉज पैराबोला और सर्किल दोनों मोशन इन टू डायमेंशन है, और यहां पर तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाले जा रहे हैं, xyz तीनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, मतलब पार्टिकल का मोशन 3 dimension में है। तो अल्टीमेट ट्रेजेक्ट्री ना तो सर्किल होगी ना पैराबोला होगी, वो हेलिकल हो जाएगी।
अल्टीमेट ट्रेजेक्टरी इसकी हेलिकल होगी। आई पास ऑन में ये यस सर ठीक है। कंसीडरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटली इज ओनली फॉर पर्पस ऑफ फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स, सिर्फ उस काम के लिए करना है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया, सर्कल बनाया और कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, अब उसका काम खत्म। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, कोऑर्डिनेट निकाला, काम खत्म। इसके बाद जब तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि हेलिकल पाथ बनेगा इस क्वेश्चन में। मतलब ये मेरा सिर्फ प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से करने का तरीका था कि हमने अलग अलग तरीके कोऑर्डिनेट्स जल्दी से निकाल लिए, कोई कैलकुलस नहीं आया, कोई इंटीग्रेशन, कोई डिफरेंशिएशन नहीं आया, मेरा आंसर क्विकली आ गया। और एक लास्ट केस आता है वो भी प्रॉब्लम के फॉर्म में, देखिए आप। प्रोटॉन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट 0,0,0 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट J कैप, मैग्नेटिक फील्ड B नॉट K कैप। इसको बोलते हैं क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस फील्ड। वो पैरेलल फील्ड थी, इसके पहले वाला एग्जांपल पैरेलल फील्ड्स का था, ये क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड का मतलब दोनों 90 डिग्री। नाउ ई एंड बी आर परपेंडिकुलर। क्रॉस्ड फील्ड में रिजल्ट क्या बनेगा? ई और बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए, चार्ज पार्टिकल और ओरिजिनली रेस्ट पे हैं। चार्ज पार्टिकल ओरिजिनली रेस्ट पर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल पर, अब इसमें वो वाला काम नहीं करेंगे जो पीछे किया अभी, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट अलग था, इसका आर्ग्यूमेंट अलग है। बट हाँ, एक आर्ग्यूमेंट आप, हाँ जी, साइक्लॉइड बनेगा। हाँ, इसमें साइक्लॉइड आता है। इस केस में जो ट्रेजेक्टरी, ये लास्ट केस है, इसमें जो ट्रेजेक्टरी आती है वो साइक्लॉइड, वो सही आंसर है। द पाथ इज साइक्लॉइड। ठीक है, तो भी काम कर दिया, टाइम हो गया मेरे ख्याल से ना। तो बच्चे इसको क्या करिएगा, आप क्या करेंगे, आप या तो ट्राई करना अपनी तरफ से, और कोशिश ये करेगा बिना कैलकुलस के अगर कुछ लॉजिक्स लगा करके हो जाए तो अच्छी बात है, ये तो कैलकुलस तो लास्ट ऑप्शन नहीं है, अगर हो जाता है विदाउट कैलकुलस तो ज़्यादा अच्छा है। और जितना अभी तक कराया है उसको भी रिवाइज करना होगा।